हॉलीवुड एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज ने बीते दिन ही एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि वो इतने टाइम से किस बीमारी से जूझ रही हैं, जिसे जानकर आप होने वाले हैं हैरान। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इलियाना को ऐसी क्या प्रॉब्लम है। दर्शकों, इलियाना मान चुकी हैं कि वह रात को नींद में चलती हैं और उन्होंने कहा है कि अगर वह नींद में नहीं चलती हैं तो सुबह उन्हें अपने पैरों में सूजन और जख्म क्यों देखने को मिलते हैं। इलियाना ने शनिवार को अपनी इसी चिंता को अपने फैंस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किया है और लिखा है कि मैं अब इस बात को पूरी तरह से मान चुकी हूँ कि मैं नींद में चलती हूँ, शायद ऐसा ही, क्योंकि सुबह उठने पर जब रहस्यमय ढंग से मेरे पैरों में सूजन या घाव देखने को मिलते हैं तो इससे समझने का कोई और तरीका नहीं बचता है। वहीं इलियाना के इस पोस्ट को जब उनके फैंस ने पढ़ा तो उनको भी वाकई में चिंता सताने लगी और लोगों ने उन्हें कमरे में एक वीडियो कैमरा लगाने के लिए सलाह दे दी है। हालांकि कुछ फैंस ने इस किस्से को हॉन्टेड या भूतहा भी बताया है। वहीं एक यूजर ने इलियाना के लिए कमेंट में लिखा है, जब आप जागती हैं तो खुद को बिस्तर पर ही पाती हैं या किसी और जगह पर? यदि खुद को किसी और जगह पर पाती हैं तो यह स्लिप वॉकिंग है, अन्यथा आप भूतों की शिकार हो चुकी हैं। इलियाना मैं तेरा हीरो पैच। वहीं दर्शकों, आपको बता दें कि इलियाना मैं तेरा हीरो, रुस्तम, रेड, बर्फी और मुबारक जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। तो दर्शकों, आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए लेते हैं हम विदा, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज से प्रांशु की रिपोर्ट।